पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र के महथौर पंचायत के बुआरी टोला के वार्ड 15 में आज दिन के 4 बजे अचानक आग लगने से 2 परिवारों के 4 घर जलकर राख हो गया। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवी तहसीन आलम इसकी सूचना डगरुआ थाना प्रभारी को दिया, जिसके बाद दमकल गाड़ी मौके पर आकर आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। घटना के बाद पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। डगरुआ से सिटी हलचल के लिए वाजिद आलम की रिपोर्ट। जी, स्नान करने के बाद हम सर कपड़ा भी चेंज नहीं किए थे जी। और उसके बाद से फिर एक तो बच्चा था मेरे साथ और एक बच्चा बाहर में था जी। उसने का साथ बोलता है कि घर में आग लग गया, उसके बाद हम देखे तो पूरा लूट लिया घर। लूटने के बाद हम सिर्फ अपना बच्चा को लेके वहाँ से फरार हुए घर से। उसके आके तब गांव वाला सबको हल्ला किया, तब उसके बाद पानी हमें देते देते उतना कोई खान है तो फिर महिला लोग कितना करेगा, पूरा घर छेद दिया। कितना घर जला है? घर में कागज पत्तर पैसा तोरी हर चीज सब जल। कितने का लमसम पैसा कितना जला होगा? पैसा वही 50,000 के आसपास सर जी। घर में कुछ बचा ही नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं बचा है सर। एक बार नाम बताइए अपना। नाम जी थी आज तो ये रसोई घर जी गैस चूल्हा से आग लगी है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग खास यहाँ के गरीब लोग हैं, 3 से 4 घर जलकर राग हो चुके हैं। और गैस के कारण हमारे समाज के जो भी जनप्रतिनिधि आप यहाँ के ग्रामीण लोग पहुँचे थे, घर के विजन से बचा नहीं पाए। घर के घर में जो रखा है इसका सारा राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, हमने सारा चीज़ देखा है। यहाँ अभी मौजूद रहकर सारा चीज़ जलकर राग हो चुका है और घर वाला रोकर बेहाल है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसके भी जो कागजात से संबंधित या जो नुकसान से संबंधित है इसको जल्द से जल्द व्यवस्था करके दिया जाए। खासतौर पर मैं अंचल पदाधिकारी रमन कुमार सिंह से अपील करूँगा कि हमारे इस डगरवा प्रखंड में मथौर पंचायत में और चमटोली गांव में आकर इसका सर्वे कर और जांच करके इसका उचित जो लाभ होता है आपदा के तहत उसको दिलाया जाए। और आग में किस तरफ काबू पाया गया था? जी, आग में काबू किस तरफ पाया गया? आग को काबू जो है हमारे ग्रामीण लोग भी सहयोग किए और साथ ही साथ 22 से 2 दमकल आए, 2 पानी दमकल अग्नि जो कहते हैं खेती भाषा में दमकल, लेकिन इसका शुद्ध नाम है इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस। उन्होंने भी आकर काफ़ी सहयोग किया और फौरन हमें सूचना मिला, तुरंत फोन किया 22 और कॉल पर तुरंत कॉल 10 मिनट के अंदर में दोनों दमकल आकर आपको काबू पाकर दिलाया। एक बार परिचय अपना दिए। जी, मेरा नाम तहसीन आलम, धन्यवाद समझ से। अच्छा, घर में नहीं थे सर, हम यहाँ पे घर कोई नहीं, बच्चा लगा घर में सर जी। और लेकिन मेरे घर में आग लगाया गया है जी। मेरे घर में आग लगाया गया है। किन के द्वारा आग लगाया गया है? हम तो नहीं थे घर में, थे नहीं, लेकिन मेरे घर में आग लगाया गया, जिससे भी हो लेकिन मेरे घर में आग लगाया गया है। किसी पे शक है? जी शक भी है। शक है तो नाम बताइए ना। नहीं बता पाएंगे अभी हम। चलिए ठीक है। आग लगाया गया है। और कितने घर में आग लगी है? जी 2 घर में लगाया है। 2 घर में जी, एक मेरे एक भाई। क्या दोनों आवासीय घर था या फिर जलावन वन का था? रहने वाला घर था। कितने का क्षति लमसम होगा 2 घर में? क्षति सर बहुत हो गया मेरा, लेकिन क्या क्या जला है? क्या हुआ नाम आपका? सारा चीज जल के राख हो गया।